आज का ये व्लॉग हमारी सारी माओं के नाम, हमने सोचा है कि अपनी अम्मा को देंगे हम सरप्राइज। तुम्हें जो है बुके शुके भी ले आए। हैप्पी मदर्स डे टू यू, हैप्पी मदर्स डे टू यू, अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाईजान आज का ये व्लॉग हमारी सारी माओं के नाम, क्योंकि आज है मदर्स डे, ठीक है, और मदर्स डे है तो हमने सोचा है कि अपनी अम्मा को देंगे हम सरप्राइज। ठीक है, सरप्राइज देने का हमने प्लान तो दो दिन पहले से किया हुआ था, लेकिन सीन ये हुआ है कि दो दिन से ना घर पे आए हुए थे मेहमान, और कुछ ऐसे मेहमान थे जिनको अटेंड करना भी बहुत ही ज़रूरी था। ठीक है, उनमें से कुछ आधे मेहमान जो हैं वो चले गए आज, और आधे अभी भी माशाल्लाह से घर पे ही हैं, तो इस वजह से सुबह से बल्कि कल से ही टाइम नहीं मिला, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि हम कुछ भी प्लान कर सकें। और अभी भी मेरे ख्याल से रात का 8 बज रहे हैं, और अब मैं जाके कुछ थोड़ा सा सांस लेने के काबिल हुआ हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना जितना अभी सरप्राइज दे सकते हैं अम्मा को उतना तो दें, केक शेक तो लेके आए। ठीक है, और माएँ जो हैं वो बेसिकली हमारी सही हीरोज़ माएँ होती हैं, सही चैम्पियन माएँ होती हैं, फाइटर माएँ होती हैं, कुक माएँ होती हैं, स्टाइलिस्ट माएँ होती हैं, हेयर ड्रेसर माएँ होती हैं, हमारे लिए सब कुछ ना हमारी माएँ होती हैं। अगर हम माओं को साइड पर कर दें तो हम कुछ नहीं है। ठीक है, और स्पेशल इसलिए भी आज के सिर्फ आज मेरी अम्मा ही नहीं, मेरी अम्मा की अम्मा भी आज हमारे घर पर आई हुई हैं। ठीक है, तो इसलिए आज का जो मदर्स डे है वो एक्स्ट्रा स्पेशल हो गया है। ठीक है, मैं अम्मा के लिए करूँगा और अम्मा की तरफ से अम्मा की अम्मा के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, केक शेक लेके आते हैं। और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम लोग जो मेरी जनरेशन है, हम लोग लास्ट वो जनरेशन है जिन्हें माओ का सही प्यार देखने को मिला। ठीक है, अब तो आगे तो माशाल्लाह मोबाइल ही अम्मा आ रही हैं, वो मोबाइलों में मसरूफ होती हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, लेकिन हमें सही माओ का प्यार मिला है, हमें पता है माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। आगे तो बच्चों को मोबाइल 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 ही होता है ना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, केक शेक पकड़ते हैं, और ये देखें ये रुइंस है मेरे कमरे के, अब मेहमान गए हैं तो अब इसको सीधा साधा भी कर लेंगे, लेकिन अब चलते हैं, निकलते हैं, टाइम से केक पकड़ के लाते हैं, क्योंकि और लेट ना हो जाए, और फिर दूसरे मेहमानों ने भी जाना है, तो नानो अम्मा के होते होते जो है ना वो केक भी लें और ज़रा सेलिब्रेट भी कर लें। केक लेके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। यार तो केक शेक हम लोग ले आए हैं, और साथ में जो है बुके शुके भी ले आए हैं अम्मा के लिए, जल्दी में यही कर सकें, अभी अम्मा को भी सरप्राइज़ देना है। अब भाई बड़े हैं, गए हुए हैं ज़रा बाहर, उनका इंतज़ार चल रहा है, जैसे ही वो आते हैं इनको सरप्राइज़ देते हैं अम्मा को, उनकी तबीयत भी ज़रा थोड़ी सी नासाज है, उनको ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनसे केक शेक कट करवाएंगे, नानों से केक कट करवाएंगे, और फिर उसके बाद वो लोग अपना एंजॉय करेंगे, रेस्ट करेंगे, यानी कि फिर हम अपना देखेंगे क्या करना है। ज़रा भाई आ जाएं, फिर सरप्राइज़ ऑन करते हैं, ज़रा बच्चों को भी लूप में ले लें, ताकि वो ही उन्होंने ले के आना है असल में तो अम्मा को, हम तो यहीं पे उनको सरप्राइज़ देने के लिए बैठे होंगे। बच्ची हमने कह दी है, बच्ची को सब समझा दिए क्या करना है, ये करेंगे जो करना है, इस तरह ये सबको लेके आएंगे, फिर बाद में यही यहाँ के अम्मी को अम्मा ने उनको लेके आएंगे, इसी दिन में करेंगे। ठीक है, सही है, समझा दे पहले सबको, क्या ये हमारे भाई आए हैं, ये हमारे कजन, ठीक है, हमारे बड़े भाई, आज ये जो है इनकी भी अम्मा आई हुई है आज, इन्हें मेरे घर में तकरीबन 5 माए इकट्ठी हुई है। इनकी अम्मा मेरी अम्मा वो आपस में बहने हैं, और उनकी अम्मा जो कि हमारी दादी भी लगती है, तो उनको इकट्ठा सरप्राइज देना, उनको आवाज ना चली जाए उन्हें, और आज माशाल्लाह गाँव का मेला लगा हुआ है हमारे घर के, तो जरा सीन और करते हैं सरप्राइज का, बस और 5 मिनट के बाद भाई आने वाले हैं, फिर सरप्राइज मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आ गए हैं, ठीक है, अब जो है ना वो प्लान को एक्शन में लाते हैं और प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। चले अम्मी को हमने काम चला दी है कि मेरे दोस्त आए हैं, तो आना जरा जल्दी से ट्रेनों में आ जाए, तो अम्मी आ रही है और वो हमारी काकी का देखे सामने, और दातों को नानी अम्मी को लेके आ रही है। ठीक है, अम्मी को भी याद रखे, फिर उसके बाद आपको सरप्राइज देंगे। आई आई आप आ आपको फोन फोटो बोलो। हेलो मम्मी, हेलो आजो आजो मिल लो ना, मैं ठीक हूँ, आजो 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 Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. नानी अम्मी के कोल बैठो।
यार जल्दी बुला पाई है मैं लाभ के लिए यार मैं इसकी अम्मा को ढूंढ के लाया एक मिनट मेरा ये कजन ये देख ले चेक कर ले उन्होंने कहा केक खा ला पहले अम्मा दी खैर है मासी मासी किधर है मासी जल्दी ध्यान ना मेरे दोस्त अम्मी आई है यार मासी दोस्त वालदा आई ने अंदर ड्राइंग रूम च दुपट्टा सही ले लो सही कर लो दुपट्टा बंद कर दो फोन हूं कट तो कट दो अभी भी अंदर नानी भी लेके अंदर पहली बार आए ने अपनी जगह अपनी जगह अपनी मां उस पास दोस्त लाजमी थानू इंज तंग करना होंगे चलो जी ये इनके केक पड़े हैं हमारे पास माए तीन है केक दो है तो कोई गल नहीं हमेशा मां जरा कुर्बानी देंदी आई है आज भी सही चलो जी केक कटो जी केक कटो नानी अम्मी शुरू करेंगे ते नानी अम्मी है मामा थी आज मामा थी साल के रहे मदर आली सिर्फ बच्चे रह गए बाकी कोई भी नहीं इतने बगैर मदर आले भाई जी सारिया मदर कटिया की चलो जी नहीं नहीं आपे कटना है तुसी नानी अम्मी पूछ रही किसकी सालगिरह हैप्पी मदर्स डे कट दियो हैप्पी मदर्स डे टू यू मासी तू नहीं हाथ ला लै ताड़ी भी अम्मा आ ताड़ी भी अम्मा आ ला लो हाथ चलो जी दूजा भी कट दियो कि वो किने कटना है किधर कलो हाँ हाँ नहीं नहीं कट दियो यार तुसी भी मामा ही हो बेशक तुहाडे कोल बच्चे थोड़े ने लो जी दोनों केक कट गए हैं और ये हमने अपनी माओ को छोटा सा सरप्राइज दे दिया है अब जरा केक से खा लें ये ना हो ये सारे खा जाए मेरा ये वाला कजन तो सिर्फ केक खाने के लिए बैठा है यहाँ पे सिर्फ केक खाने के लिए ओ जा यार तेरी कह रहे एक बंदा स्पेशल केक खाने के लिए रुका हुआ उसने 2 घंटे पहले से निकल जाना था उसने कहा केक मैं खा के जावांगा अब केक खा लेते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं यार आप लोगों को मेन बात तो बताई नहीं भाई ओ मेन बात तो बताने ही भूल गया जो जरूरी है ये जो आप केक देख रहे हैं ये हमारी बेगम की तरफ से आया हमारी अम्मा और हमारी नानों के लिए बाकी ये जो है ये हमने किया है क्योंकि ये हमारी माओ का फ्लेवर है पसंदीदा तो हमें भी इससे पहले लड़कों को जो है ना सीधी सी बात बताएं कोई प्यार का नहीं पता होता कि कैसे जो है ना मदर्स डे मनाते हैं शादी के बाद हमें बताया गया है कुछ लोगों को शादी के बाद ही पता चलता है क्योंकि लड़के नहीं ये चीजें मनाते तो ये बीवियां सिखाती हैं वरना तो हमें कोई नहीं पता होता क्या करना क्या नहीं करना केक खा ले केक कट गया केक जरूरी है तो सारे मेहमान यार चले गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सरप्राइज था और जो हमने सरप्राइज देने का प्लान किया था वो अच्छे तरीके से हो गया है सरप्राइज और जैसा कि आपको पता है मिडिल क्लास लोगों का जो है ना वो हमारी जो माँ मैंने बताया था ना पुरानी जनरेशन तो उन्हें कोई ख़ास वो नहीं था जैसे कि आजकल के बच्चे या माएँ रिएक्शन देती हैं तो उनका वही सादा सा रिएक्शन था उनके चेहरे पे स्माइल थी और जो आजकल माशाल्लाह से माएँ आ रही हैं मोबाइल वाली वो तो अपने बच्चों से खुद मदर्स डे मनवा लिया करेंगी कि बेटा मदर्स डे का केक लेके आओ मैंने पोस्ट करनी है ठीक है तो यहाँ पर वो सीन नहीं है उन्हें उनके चेहरे पर एक स्माइल थी वो देख के बड़ा खुश हुआ अब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हैं अपने माँ बाप के लिए क्योंकि जो उन्होंने हमारे लिए किया हुआ है उसका जो नेवल बदल है वो हम किसी भी तरह से नहीं चुका सकते उसका बदला दे ही नहीं सकते ठीक है ना कोई उसका है ही नहीं मुकाबला ही नहीं है हम जो मर्जी कर लें बिछ जाएँ उनके सामने मर जाएँ उनके लिए फिर भी वो कम है ठीक है तो अभी मैंने आपको बताया था अम्मा की तबीयत कुछ ख़ास अच्छी नहीं है अब मेहमान चले गए हैं तो जाके अम्मा जी की दवाई भी ले आते हैं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज़ है तो मोबाइल दवाई लेके आते हैं रेगुलर कस्टमर मंथली कस्टमर दवाई मैं ले आया हूँ यार चल के अम्मा को दवाई देते हैं अल्लाह अम्मा को सेहत दे
ठीक है ना, और इस दवाई से उन्हें आराम आ जाए। मम्मी को मेडिसिन दे के यार उनके पास बैठ के मेक श्योर करके कि उनकी तबीयत अब बेहतर है। मैं अब रूम में आ गया हूँ, तो अल्लाह हमारी माओ का साया हमेशा सरों पे हमारे कायम रखे, क्योंकि वही हमारा असल असासा है। अल्लाह सबकी माओ को लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता करे, ठीक है, क्योंकि वही हैं जो आपसे बेलौस मोहब्बत करती हैं, ठीक, बिना किसी लालच के, और आपके लिए सुबह से लेकर शाम तक किचन में खड़े होकर खाने पकाती हैं, ना गर्मी देखती हैं ना सर्दी। अल्लाह सबकी माओ को जो है ना वो सलामत रखे हमारे सरों पे, आमीन। और इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं एंड, क्योंकि यार दुर्गत निकल गई है, दो दिनों में मेहमान थे काफ़ी, तो बस भाग दौड़ी रही है, अब रेस्ट करेंगे। तो अगर आपको सरप्राइज़ आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यार चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मदर्स डे आपने कैसे सेलिब्रेट किया, कैसे अपनी माँ को सरप्राइज़ दिया या क्या किया उनके लिए वो भी बताएं। और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपनी माँ का ख्याल रखें, उनके साथ प्यार मोहब्बत से रहा करें, क्योंकि ये असासे इररिप्लेसेबल हैं, ठीक है, इररिप्लेसेबल हैं। हर चीज़ मिल जाएगी आपको दुनिया में, माँ का प्यार नहीं मिलेगा। माँ का ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।